भैया ये पुलिस थाना है, मैं आपको दिखा दूं कि मैं अभी बहरा थाना के अंदर जो है आ गया हूं। ये सामने जिप्सी खड़ी है पुलिस की, और ये हमारे पुलिस के जवान हैं। ये मुख्य गेट है थाने का, ये थाने का मुख्य गेट है, और लगातार मैंने कई बार शिकायत की है। और मैं ये सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार मैंने यहाँ पर शिकायत की, और मैंने रात में SHO साहब को भी कहा है। और ये दारू की बोतल जो मोतीपुर में मिली है, और अभी मेरे साथ मैं थाने पे खड़ा हूँ, लगातार मैंने कंप्लेन कई बार की है, कोई सुनने वाला नहीं है। और जैसी जानकारी मुझे मिली है, मैं पिछले 1.5 साल से लगातार कंप्लेन कर रहा हूँ, कोई सुनने वाला नहीं है। परसों रात में मैंने पकड़ा। अब आप कहेंगे कि भाई आपने पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया, तो वो दो लोग थे, मुझे फोन ही नहीं करने दे रहे थे। और रात में मैंने इनको बताया है, थानेदार साहब को मैंने फोन किया रात में, और लगातार मोतीपुर के अंदर गोविंद यादव पिछले 2 साल से दारू बेच रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। SSP दरभंगा साहब को भी मैंने फोन किया रात में, उनको मैंने व्हाट्सएप किया, मैंने समाज सेवी पप्पू सिंह को व्हाट्सएप किया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। लगातार मुझे बिहार दिल्ली से यहाँ आना पड़ रहा है इस चीज के लिए। लगातार नशा खुरानी ग्रुप मोतीपुर के अंदर एक्टिव है, आसपास के 10 गांव के लोग आते हैं और लगातार वहां दारू लेते हैं उससे और खरीद के जाते हैं। और ये सूरत से ला रहा था, ये परसों रात में 9:30 बजे के आसपास की घटना है ये। मैं परेशान हो गया हूं कि क्यों इतने बड़े लेवल पे दारू यहां पर मिलती है, प्रशासन क्यों आंखें मूंद के जो है बैठी हुई है, ये सवाल है। सामने थाना है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये देख लीजिए, आप देख लीजिए। सामने जो कप्तान साहब की गाड़ी भी खड़ी है, ये क्यों हो रहा है, आखिर इसका जवाब मुझे क्यों नहीं मिलता है। रात में मैंने SSP दरभंगा साहब को व्हाट्सएप किया हुआ है, उनका मैसेज आया हुआ है। मेरे गांव का जो चौकीदार है, मेरे गांव का चौकीदार, उसको लगातार, वो खुद एक नंबर का गांजेबाज है, एक नंबर का नशेड़ी है, वो यहां से इंफॉर्मेशन लीक करता है। जैसे मैं यहां पुलिस को सूचना देता हूं, वो वहां पर क्या बात है सर, सच्चाई बोल रहा है, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ सर। अगर आपको मारना है तो मुझे गोली मार दीजिए, गोली मार दीजिए, लेकिन मेरा सबूत है सर, सबूत है, मुझे गोली मार दीजिए, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ सर। दारू के आरोप में इतना भेजिए।